चारदिकला टाइम टीवी देख रहे देश विदेश के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुखविंदर सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत तो पहले एक नज़र पावांगे हुण तक दीआं कुछ खास खबरां ते। दिल्ली विच तीन मंजिला इमारत डिगण नाल मची हाहाकार, मलबे हेठ डब्बण कारण तीन बच्चों समेत सत्त की मौत, राहत कार्य जारी। प्रधानमंत्री वालों नवें सांसदों की ट्रेनिंग का अज पहला दिन, सदन की मर्यादा का पालन करन अते बेवजह बयानबाजी तो किनारा करन दी दित्ती नसीहत। चंडीगढ़ पुलिस ने कतल के दो वख-वख मामलों की सुलझाई गुत्थी। जीरकपुर के तनास इलाके विच होए सी दो कतल, कातल गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। ते श्री अकाल तख्त साहब के पांच सिंह साहबाना की हुई कतरता। बुढ़ा जोहर ट्रस्ट के प्रधान नूं पंथ विचों कीता खारज, ट्रस्ट का कामकाज चलाउण लई बनाईआं कमेटियां। जी बुलेटिन का आगाज ते खबर सब तो पहला मंदभागे हादसे दे नाल जुड़ी है, जिथे दिल्ली के इंद्रलोक इलाके च अज उस वेले अफरा तफड़ी का माहौल पैदा हो गया जदों एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह ढेरी हो गई। इमारत के डिगण नाल कई लोगों के मलबे हेठ दबे जाण दा खदशा जताया गया, जबकि एक ही परिवार के तीन बच्चों एक औरत समेत सत्त लोगों की मलबे हेठ आउण कारण मौत हो गई। घटना की सूचना मिलदिया सारी राहत ते बचाव दस्ते दीआं टीमां मौके ते पहुंचिया हुई ने, जिन्हां वल्लों मलबे हेठ दबे कुछ लोगों नूं बचा लिया गया, जबकि कुछ लोग हाले भी मलबे हेठ दबे हुए दसे जा रहे हैं, जिन्हां नूं बचाउण लई आस पास के लोगों ते राहत टीम वल्लों भारी जद्दोजहद जारी है। इस तीन मंजिला इमारत के ढहर नाल नाल लगते मकानों को भी कुछ नुकसान पहुँचा दसया जा रहा है। मलबे के हेठों कड़े जख्मियों इलाज लई हस्पताल भर्ती करवाया गया। दसया जा रहा है कि यह तीन मंजिला इमारत काफ़ी पुरानी होने कारण खस्ता हालत विच सी, जिस कारण यह हादसा वापर गया। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज हरियाणा के सूरजकुंड नवें सांसदों की दो दिन ट्रेनिंग ली जा रही है। सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री तो अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत होर भी दिग्गज नेता मौजूद रहे। नवें सांसदों को संबोधन मोदी ने कहा कि संसद के बाहर और संसद के अंदर सांसदों के व्यवहार से पूरे देश की नहीं बल्कि दुनिया भर की नज़र होगी, इसलिए सदन की मर्यादा का पालन होना चाहिए। मोदी ने सांसदों को नसीहत दी है कि वह बेवजह बयानबाजी तो किनारा करके आपो अपने लोक सभा हल्के ते ध्यान केंद्रित करन। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रिष्टाचार देश के लिए सब तो गंभीर समस्या है और आम समाजिक कामों लिए सारी जनता को समान समझना चाहिए तो भाई भतीजावादी परंपरा तो बाहर निकलने लिए सारियां नूं मिलकर नजिठना पवेगा। लोक सभा चोणां च इतिहासक जित दर्ज करन तो बाद मोदी ने हुण विधानसभा चोणां विच वी वधिया प्रदर्शन करन दी गल आखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अज हरियाणा दे सूरजकुंड विच नवें सांसदां दी दो दिन ट्रेनिंग ली जा रही है। इस दो दिन ट्रेनिंग दा अज पहला दिन है, जिस दे विच मोदी ने सदन दी मर्यादा दा पालन करन अते बेवजह बयानबाजी तो किनारा करन दी नवें सांसदां नूं नसीहत दित्ती है। सिंथेटिक नशे देश अते खास करके पंजाब विच वी बनाए जा रहे ने, जिहड़े सरहद पार तों तस्करी होण वाले नशे नालों ज़्यादा खतरनाक ने। यह कहना अमृतसर दे सांसद अते लोक सभा च कांग्रेस धिर दे डिप्टी लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह दा। वह केंद्रीय वित्त ते रक्षा मंत्री अरुण जेतली वालों बीते दिनी दिल्ली च प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान दिते बयान ते जवाब दे रहे सन, जिस च उन्हां सारा दोष बार्डर पार तों तस्करी होण वाले नशियां ते लगाया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि असली समस्या सिंथेटिक नशियां दे रूप विच पंजाब विच ही है, जिहड़े बहुत ही सस्ते ते आसानी नाल सप्लाई किए जा रहे हैं। तो खबर कतल की वारदात के नाल जुड़ी है। चंडीगढ़ पुलिस ने दो वख-वख कतल के मामलों की गुत्थी नूं सुलझा के मुलजमान नूं गिरफ्तार कर लिया। पहला मामला जीरकपुर का है, जिथे दो दिन पहला संजय कुमार नाम के व्यक्ति का उस वेले कतल कर दिता गया सी जदों किसी काम लई जा रहा सी। यह सारा मामला नज़दीक CRPF कैंप कोल लगे कैमरे राही सामने आया और इसकी मदद नाल दोषी फड़े गए। एक होर मामले 26 जून नूं तनास इलाके च एक लाश बरामद हुई सी, जिसकी पछाण रवि कुमार सैक्टर 49 वजों हुई है।
जांच तो बाद पता चलिया कि मृतक रवि कुमार का कुछ समा पहला प्रेम विआह होया सी, पर लड़की के मापे इस गलों खुश नहीं सन, इसलिए लड़की के पिता ने किसी बहाने रवि को बुला के उसका गला घुट के मार दिया। रेखा है और एक आशु है, जो पूरा जो एपिसोड है उसमें रवि कुमार जो है इसकी मैरिज नहीं की है, लड़की के साथ कोर्ट मैरिज तो आई थी इसमें, लेकिन लड़की के पेरेंट्स उससे एग्री नहीं कर रहे थे। तो इनको 24 की शाम को इकट्ठे 5 लड़के इसको लेके गए ऑटो में, इसको तार से स्ट्रैंगुलेट करके उन्होंने इसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद द्रास के एरिया में इसको इराक के गृह युद्ध में फसे भारतीयों को सही सलामत कढ़न लई भारत सरकार वालों जल सेना का एक जंगी जहाज अज खाड़ी फोर्स लई भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि देश दीआं तीनों सेनावां दे मुखियां ने बीते दिन केंद्र सरकार दे सिखरले उच्च अधिकारियों नूं संभावित योजनावां बारे जाणू करवाया, जिन्हां नूं लोड़ पैण ते इराक विचों भारतीयों नूं कढ़न लई फौज की सहायता नाल अमल दे विच लिआंदा जा सकदा है। जल सेना के एक जंगी बेड़े नूं फोर्स की खाड़ी विच इराक के साहिल भेजन दे नाल हवाई सेना नूं भी भारी मालवाहक जहाजा नूं बहुत छोटे नोटिस से उड्डन लई तैयार रहने लई कहा गया। जानकारी के मुताबक इराक विच फसे भारतीयों नूं अगले हफ्ते दौरान सुरक्षित कढ़िया जा सकदा है। तो उधर इराक विच फसे नौजवानों के परिवार वालों की चिंता हाले भी बरकरार है। हुशियारपुर के पिंड चब्बेवाल के रहने वाले शमशेर सिंह के परिवार को भी अपने पुत्र की घर वापसी को लेकर खासी चिंता सता रही है। शमशेर सिंह एक साल पहला रोजी रोटी की खातर इराक गया सी, पर इन्नी दिनी खराब हुए हालात कारण उत्थे फस गया। हालांकि उस को अपना पासपोर्ट तो है, पर शमशेर सिंह के मुताबिक उन्होंने भारत लियाने लई कोई भी मदद नहीं मिल रही। इराक के फसे हुए 231 बंदे है कंपनी के, कंपनी ना हम खाने कोई दें ना तो ना ही उन्होंने पेमेंट दें जी। तो असं चाहते हैं असं उन्होंने फोन करना, कहने फोन करने बाद फिर कोई पैसा नहीं कोई भी, तो असं इधरों फोन करते हैं तो वो कोई पैसा नहीं फोन करने का। डी सी साहब और तहसीलदार साहब पटवारी साहब तो सारे आए घरों भी लिख के लगाए, कल भी परसों भी लिख के लगाया, चब्बेवाल थानेदार भी लिस्टा तैयार करी जाते हैं और कोई भी कही जाते करा करा, पर उधर साड़ी कोई सुनाई नहीं होंगी, उधर उन्होंने कोई नहीं पुछता ना कोई लिया। तो सिखां दे सर्वोच्च तखत श्री अकाल तख्त साहब ते कल हुई पंज सिंह साहिबाना की बैठक दे विच राजस्थान दे बुढ़ा बोहड़ विद्यक ट्रस्ट दे आगू बलदेव सिंह नूं पंथ विचों खारज कर दिता गया। इस दे नाल ही सिंह साहिबाना वल्लों तनखाइया करार दिते गए दो होर मैंबरां नूं अगली इकत्रता समय तख्त साहब ते पेश होके भुल बख्शाउण दा इक होर मौका दिता गया। तख्त साहब दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह ने अकाल तख्त साहब दे फसील तों बलदेव सिंह नूं पंथ विचों छेकण संबंधी हुक्मनामा सुनाउंदिआं सिख संगतां नूं आदेश दित्ता कि जदों तक बलदेव सिंह अकाल तख्त ते पेश होके अपनी भुल नहीं बख्शाउंदा, उस नाल रोटी बेटी दी सांझ अते धार्मिक समाजिक ते राजनीतिक मेल मिलाप ना कीता जावे। जदके ट्रस्ट दे दो होर मैंबरां निरंजन सिंह अते परमजीत सिंह नूं भुल बख्शाउण दा मौका दिता गया। इस दौरान ही ट्रस्ट के काम को सुचारू ढंग नाल चलदा रखण लई तख्त साहब नूं समर्पित दो कमेटियां प्रबंधकी कमेटी अते निगरान कमेटी का भी गठन किया गया। इस तो अलावा होर भी वख-वख कौमी मसलों ते फैसले ले गए। तो बम बम बोले दे जयकारियां हेठ अमरनाथ यात्रा अज तो शुरू हो चुकी है। बाबा बर्फानी दे दर्शनां लई शिव भगतां दा पहला जथा कल जम्मू दे भगवती नगर यात्री निवास तो रवाना होके अज बालटाल पहुंच गया। 1160 यात्रियों का यह जथा अज बाबा बर्फानी दे दर्शन करेगा। शरधालुआं दे इस जथे नूं राज दे सैर सपाटा मंत्री जी ए मीर ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया सी। जिक्र खास है कि पहलगाम के रस्ते बर्फ जमा होने के कारण यह यात्रा चंद्रवाड़ी पहलगाम के रस्ते शुरू नहीं हो सकी। इस रास्ते ते 30 जून तक यात्रा लई रोक लगाई गई है। बाबा बर्फानी की यात्रा इस साल 44 दिनों तक चलेगी और 10 अगस्त को रखड़ी वाले दिन समाप्त हो जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मुख रखदिआं प्रशासन वालों भी करड़े प्रबंध किए गए हैं।
तो उधर जलंधर वैलफेयर सोसायटी तो स्पीड ऑर्गनाइजेशन वालों नशा विरोधी दिवस में समर्पित नशा विरोधक रैली कढ़ी गई। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन एस पी सिंह ओबराय की सरपरस्ती हेठ कढ़ी गई इस रैली मौके समाज में वध रहीयां कुरीतियां नूं रोकण दा संदेश दिता गया। एस पी सिंह ओबराय ने इस रैली नूं झंडी दिखा के रवाना किया जो प्रैस क्लब जलंधर तो चल के कंपनी बाग चौंक ज्योति चौंक तो अंबेदकर चौंक तो हुंदी हुई लायन भवन विखे जा के समाप्त हुई। रैली विच समाज सेवक एस पी सिंह ओबराय तो अलावा सुरेंद्र सैनी आत्म प्रकाश सिंह अते अमरजोत सिंह समेत इलाके दे सैकड़े लोग शामिल हुए सन। ओबराय ने नशे नाल पंजाब दी तबाह हो रही जवानी ते चिंता प्रगट करदिया इस दी रोकथाम ते जोर दिता। उन्हां सरकार वल्लों नशा विरोधी चलाई गई मुहिम की प्रशंसा भी की। उन्हां कहा कि वध तों वध नशा छडाऊ केंद्र खोलने चाहिए ने तां कि जिहड़े नशियां दे आदी हो चुके ने उन्हां नूं छुटकारा मिल सके। तो इस तरह सरबत दा भला ट्रस्ट वालों नाभा की अत सुरक्षा जेल नाभा विच कैदियों नूं शुद्ध अते साफ सुथरे पानी की सुविधा मुहैया करवाउण लई आर ओ सिस्टम लगवाए गए ने। इन्हां दा आर ओ सिस्टमां दा उद्घाटन उगे समाज सेवी एस पी सिंह ओबराय मैनेजिंग ट्रस्टी सरबत दा भला ट्रस्ट ने अपने घर कमलां दे नाल कीता। इस मौके पर कैदियों ने प्रवासी भारतीय एस पी सिंह ओबराय तो लिटरेचर पढ़ने लई सरबत दा भला वालों दूजियां जेलों में खोलियां गई लाइब्रेरियां दे वांग इस जेल में भी लाइब्रेरी ते नशा संबंधी कैदियों नूं जागरूक करन लई लैक्चर करवाए जाण दी भी मंग कीती। ओबराय ने कहा कि कैदियों की सहूलत नूं देखदे हुए यह उपराला भी जल्द ही कर दिता जाएगा। इस मौके पर जेल के सुपरडेंट गुरपाल सिंह सरोआ ते डिप्टी सुपरडेंट मनजीत सिंह टवाणा ने आख्या कि ओबराय दा पंजाब दीआं जेलां विच कैदियों की सहूलत लई कीते जा रहे प्रबंध शलाघायोग ने। इस मौके पर उन्होंने नाल ट्रस्ट के जिला प्रधान जस्सा सिंह संधु हरविंदर सिंह कुकू जेल सुपरडेंट गुरपाल सिंह सरोआ ते डिप्टी जेल सुपरडेंट मनजीत सिंह टवाणा ते जेल दे स्टाफ मैंबर भी मौजूद रहे। ते इस खबर के नाल ही वेला हो चलिया तुहाड़े तों इजाजत लैंदा पर जांदे जांदे इक फिर तों नज़र पावांगे हुण तक दीआं खास खबरां ते। दिल्ली विच तीन मंजिला इमारत डिगण नाल मची हाहाकार मलबे हेठ दबण नाल एक परिवार के तीन बच्चों समेत सत्त दी लोक मौत राहत कार्य जारी। प्रधानमंत्री वालों नवे सांसदों की ट्रेनिंग का अज पहला दिन सदन की मर्यादा का पालन करन अते बेवजह बयानबाजी तो किनारा करन दी दित्ती नसीहत। चंडीगढ़ पुलिस ने कतल के दो वख-वख मामलों की सुलझाई गुत्थी। जीरकपुर ते तनास इलाके च होए सी दो कतल कातल गिरफ्तार कार्रवाई जारी। श्री अकाल तख्त साहब के पांच सिंह साहबाना की हुई एकत्रता। बुढ़ा जोहर ट्रस्ट के प्रधान नूं पंथ विचों कीता खारज। ट्रस्ट का कामकाज चलाने लई बनाईयां कमेटियां। सो पंजाबी खबरों का यह सिलसिला इत्थे खत्म करदे हां। कुछ होर खबरां लैके एक बार फिर तो तुहाडे रूबरू होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ।